हेलो बच्चों, क्लास एट मैथ एक्सरसाइज 7C फैक्टराइजेशन। देखिए, इसमें टू फार्मूलों का यूज़ होगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर लिखा होगा तो हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a माइनस बी, क्लियर। अब ये इस टाइप ऑफ फैक्टर्स होगा, डायरेक्ट फार्मूला होगा, आपको लिखना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सेम क्वेश्चन हैं इसी तरीके के। 1 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब देखिए, ये नंबर दिए गए हैं तो इसको हमें चेक करना होगा क्या ये फार्मूला बन सकता है नहीं। ये डिपेंड करता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पर। देखिए, एक्स का ये स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया एक्स का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर लिख दिया। और बीच में होना चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग 2AB, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो बीच में देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाई बी मीन्स 4। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8x हो जाता है, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं 2AB लिख दें, 8 2 4 जा 8x हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आंसर आपका। ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। एक सेवन्थ और देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कोई नंबर कॉमन है तो आप पहले कॉमन ले लीजिए, उसके बाद करिए। देखिए, 9 4 जै 36, 9 4 जै 36, 9 1 जै 9, तो 9 तीनों टर्म से कॉमन था इसलिए हमने कॉमन ले लिया। और उसके बाद बचा 4A² + 4A + 1। अब इसको फिर इसी तरीके से हम चेंज कर देते हैं, 4A को लिख लिए 2A का स्क्वायर, 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर, ठीक। बीच में 2AB होना चाहिए, 2A मीन्स 2A, बी मीन्स 1, मल्टीप्लाई किए 4A, 2 2 जो 4A आ जाएगा, 4A बीच में लिखा है। तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं 2A + 1 का होल स्क्वायर, ठीक। 9 2A + 1 का होल स्क्वायर, इससे फैक्टर, इसका फैक्टराइज, क्लियर। 1 to 10 सेम क्वेश्चन। 11 देखिए, माइनस वाले फॉर्मूला का यूज़ होगा इसमें, p² - 10p + 25। फिर वैसे फर्स्ट टर्म p का स्क्वायर लिख दिया, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, बीच में माइनस 2AB होना चाहिए, माइनस 2A मीन्स p, बी मीन्स 5, 5 2 जो 10p, माइनस 10p है ना, तो भाई इसको हम p माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। 16 देखिए, m² - 4mn + 4n² तो m को m का स्क्वायर लिख लिए, 4n को 2n का स्क्वायर लिख दिए, ठीक। बीच में 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई 2n, ठीक। 2 2 जो 4 mn, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये और ये हो सकता है, इसको हम ये लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये फार्मूला हमारा m - 2n² m - 2n² ये आंसर है आपको। सुन में आ रहा है ना बच्चों, तो ऐसे ही करेंगे सारा। आइए और देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर, a² - 6abc + 9c² फिर वैसे ही करते हैं। फर्स्ट टर्म को लिखिए ab का स्क्वायर, 9c को लिखिए 3c का स्क्वायर, क्लियर। और बीच में 2ab देखिए लिखिए, 2AB, तो ये A हो गया पूरा, मल्टीप्लाई बाई 3C, 3 2 जो 6 ABC आ गया ना इसी के बराबर, तो इसको आप ये लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला किसके यहाँ पर, AB - 3C का होल स्क्वायर, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट, L + M का होल स्क्वायर -4LM। तो L + M का होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक कर दीजिए, a² + 2AB + b², ठीक। a² = l² + 2lm + m² - 4lm यहाँ लिखा है, तो lm वाले टर्म को एक जगह लिख दिए, l² + m² + 2lm - 4lm, माइनस हो जाएंगे दोनों तो 2lm आ जाएगा, 4 से 2 माइनस होगा, -2lm। अब ये हो गया l² - 2lm + m², l - m का होल स्क्वायर, आंसर, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसका मतलब आपका 7C कंप्लीट, बहुत इजी इस चैप्टर, क्लियर बच्चों। इसे पूरा आप करके ले आएंगे।